ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, काफ़ी दिनों से जब मैं अपने प्रोजेक्ट में भी था तब भी आप लोगों के मैसेज तो रीड कर पा रहा था, और मैसेज में आप लोगों ने ये लिखा था कि तेलंगाना सीट में क्या, तेलंगाना में जो ओवैसी वर्सेस माधवी लता का जो सीट है उसमें कौन जीतने वाला है। तो देखिए ऑनेस्टली मैं बता दूं कि मुझे जो चार्ट मिला हुआ है इंटरनेट से मिला हुआ है, और इंटरनेट के चार्ट में बहुत सारे एरर हो सकते हैं क्योंकि बर्ड डिटेल और बर्ड टाइमिंग करेक्टली मेंशन नहीं होता है। लेकिन मैंने इससे बचने के लिए प्रश्न कुंडली का भी सहायता लिया और साथ में न्यूमरोलॉजी से भी इसको चेक करके बता रहा हूँ। और इन तीनों ही मेथड से, क्योंकि जो बर्थ चार्ट है अगर देखा जाए तो माधवी लता के बारे में जो मैंने बायोग्राफी पूरा पढ़ा उसमें विरंची हॉस्पिटल की ये चेयर पर्सन है, भरतनाट्यम भी इनको आता है बहुत अच्छा, और राजनीति शास्त्र से इन्होंने MA भी किया हुआ है। 2 दिसंबर 1988 बर्थ डेट है गूगल पर, और हैदराबाद में इनका जन्म हुआ है। इनकी जो कुंडली बनती है वो अगर हम सूर्य कुंडली को लेकर देखते हैं, क्योंकि टाइमिंग कंफर्म नहीं है, अगर डेट सही भी है तो टाइमिंग कंफर्म नहीं रहता है गूगल पर, इसीलिए हमें बायोग्राफी को अध्ययन करना पड़ता है। तो सूर्य जो है अगर आप देखिएगा वृश्चिक में जाकर बैठे हुए हैं, और वृश्चिक का जो सूर्य है बुध के साथ बुध आदित्यों का फॉर्मेशन कर रहा है, और दशम भाव का मालिक भी सूर्य बन जाता है। सूर्य का दशम भाव में लगन में जाकर बैठना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान को बना देता है। साथ में इनकी कुंडली में क्या मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना है, जो कला नृत्य साहित्य इसमें लोगों का जो जुड़ाव होता है वो भी इनके चार्ट में, कम से कम सूर्य कुंडली के चार्ट में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। सूर्य कुंडली है इसलिए दशा अंतर दशा का एनालिसिस करना मुश्किल होगा यहाँ पर, क्योंकि सूर्य कुंडली अगर हम बना देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दशा अंतर दशा का प्रिडिक्शन थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि दशा अंतर दशा में ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आते हैं, क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन फिक्स्ड है और चंद्रमा जिस राशि में रहते हैं, जिस नक्षत्र में रहते हैं, उनके स्वामी नाथ की जो दशा होती है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लगन चार्ट पर ही फोकस करना ज़्यादा उचित समझता हूँ, ये चार्ट मेरे दृष्टि के अनुसार थोड़ा ठीक दिखाई देता है। लेकिन असुद्दीन ओवैसी की बात किया जाए तो इनका भी गूगल पे जो बर्थ डिटेल है 13 मई 1969 है, और हैदराबाद में सूर्य कुंडली बनाते हैं तो लगन में सूर्य उच्च के हैं, और मेष लग्न की मतलब मेष लगन सूर्य कुंडली भी देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य का उच्च का बैठना वो भी एक प्रकार से, अगर इनकी पूरी बायोग्राफी को देखा जाए तो 1984 से लगातार 40 साल हो गए, 4 दशक बीत चुके हैं जहाँ पर ओवैसी का ही वहाँ पर राज चलता है, एक छत्र राज चलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्योंकि कुंडली में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्थ डिटेल कंफर्म नहीं है तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैं न्यूमरोलॉजिकली बात करता हूँ। प्रश्न कुंडली जिन्होंने पूछा था वहाँ से भी सेम आंसर मेरा निकल रहा है जो कंक्लूजन में बताऊंगा। अब हम न्यूमरोलॉजी पे आ जाते हैं। देखिए माधवी लता का जो न्यूमरोलॉजी बनता है, जिस नाम से ये फेमस है, वो 4 अंक बनता है, 4 नंबर यूरेनस का या राहु का बनता है, और राजनीति के लिए राहु अच्छे माने जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असुद्दीन ओवैसी का जो पूरा न्यूमरोलॉजिकल नंबर बनता है वो 8 नंबर बनता है, जो कि शनि का नंबर बनता है। शनि का नंबर होना, अब शनि से स्ट्रांग तब होगा जब न्यूमरोलॉजी नंबर आपका 1 बनता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है शनि। हालांकि कहा जाए शनि और राहु में अगर आप कहा जाए कौन ज़्यादा स्ट्रांग है तो राहु ऑलरेडी शनि का एजेंट माना जाता है, मतलब ग्रहों की दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो राहु एजेंट बन जाता है शनि का। मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो लोग लड़ रहे हैं ओवैसी के विरुद्ध वो उनके एजेंट बन जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन ग्रहों की दृष्टि से कहा जाता है कि जो राहु है वो शनि का एजेंट माना जाता है। अब ये एजेंट है तो ताकतवर तो कम होगा क्योंकि शनि मालिक बन जाते हैं, और शनि राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें शनि ही जीतता है क्योंकि शनि पावरफुल हो जाता है बहुत ज़्यादा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे हॉरोस्कोप में भी दिखाई दी है कि
बृहस्पति केतु की युति जो है ओवैसी के चार्ट में है, और ओवैसी अपने धर्म को लेकर यानी मुस्लिम समुदाय के धर्म को लेकर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं और वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। निश्चित रूप से माधवी लता का जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर है जिसको मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा वो थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। अगर यही नंबर एक आ जाता या यही नंबर आपका एक एक नंबर आता तो सबसे बढ़िया रहता, क्योंकि शनि को अगर कोई हरा सकता है तो सूर्य होता, या तो 9 नंबर बन जाता मंगल का बनता तो भी बहुत अच्छा हो जाता। 4 नंबर अगर न्यूमरोलॉजिकली नंबर 4 बन रहा है तो 4 नंबर ये थोड़ा सा कठिन होगा। दूसरा जो है, क्योंकि ये जो राजनीति है ये विरासत में मिली हुई है, ओवैसी को ये जो राजनीति मिली हुई है विरासत में मिली है। इनके पिताजी 6 बार उसी सीट से लगातार जीते हैं, 4 बार ओवैसी भी जीत चुके हैं, और AIM के जो 2 सीट जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीता था, 2 मेंबर जो इनके लोकसभा में हैं वो निश्चित रूप से इनको विरासत में मिली हुई चीज़ें हैं। और जो विरासत में मिली हुई है, सूर्य उच्च का अगर सूर्य कुंडली में देखा जाए सूर्य उच्च का है, यानी पिता जो है उच्च श्रेणी के रहे होंगे। मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से, नेम और फेम में, अगर नेम फेम में नहीं रहते उच्च का तो 6 बार चुनाव नहीं जीत सकते थे। भले ही ये अपने समुदाय के लिए लड़ रहे हैं लेकिन इनका जो सूर्य है बहुत स्ट्रांग है, न्यूमरोलॉजिकली भी इनका शनि स्ट्रांग है, और साथ में देखा जाए तो 4 नंबर माधवी लता का बन रहा है। माधवी लता प्रयास कुछ भी कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, मेरा तो प्रडिक्शन यही है और ऑनेस्ट प्रडिक्शन ही दूंगा, आप एक्सेप्ट करते हैं नहीं एक्सेप्ट करते हैं बात अलग है, लेकिन ऑनेस्ट प्रडिक्शन मेरा यही है कि ओवैसी पुनः उस सीट से जीत रहे हैं। और माधवी लता को अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है अगले चुनाव में जब ये लड़ेंगी तो उस समय कुछ चीज़ें इनके फेवर में आ सकती है, लेकिन कम से कम 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि वो वैसे ही चुनाव जीतने वाले हैं। तो अगला वीडियो आपको कौन सा देखना है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इस वीडियो में आपको जो कमेंट करना है, देखिए किसी भी समुदाय के लोग हों, चाहे मुस्लिम समुदाय के हों चाहे हिंदू समुदाय के हों, सभी अपने समुदाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे मोदी जी सर्वधर्म समान की नीति को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, और यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम सभी को, एक तो देखिए 2 चरण के फेज ऑलरेडी निकल चुके हैं, वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम हो रहा है, इसलिए घर से ज़रूर निकलिए, वोट कीजिए। वोट अगर नहीं कीजिएगा तो केवल ख्वाबों की दुनिया में लोग नहीं जीते हैं, एस्ट्रोलॉजी एक गणना मात्र है, लेकिन फिर भी आपको अपना कर्म निभाना चाहिए और आपको घर से निकलकर वोटिंग कम से कम करना चाहिए। पहले और दूसरे चरण के वोट में, इसीलिए जो मैं स्टार्टिंग में प्रेडिक्शन दिया था कि पहले चरण और दूसरे चरण में लगभग बराबरी का टक्कर मुझे दिखाई दे रहा है, उसके बाद से तीसरे चरण का जो वोट होगा उसके बाद से स्थिति जो है पूरे एक तरफ से बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन फिर भी एक कैलकुलेशन था उसको मैंने यहाँ पर देना उचित समझा। इससे पहले मैंने अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक जी पर भी मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट किया, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, ओम नमः शिवाय।